हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा डो। या दैट इज़ राइट, उसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो हैं ये: 4 कप मैदा, 1 टेबल स्पून यीस्ट, 1 टेबल स्पून विनेगर, 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल, सॉल्ट। अब आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और आप इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। लाइक पहले आप इनको अच्छे से मिक्स करें हाथ से, फिर इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करें। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है तो प्लीज़ बेयर विद मी। आपको इसको गूंदने के बाद गीले कपड़े से ढक देना है और 1 घंटे के लिए आप इसको छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा भूल गया होगा, तो आप इसको वापस निकालेंगे और आप इसको और गूंदेंगे ताकि इसका टेक्सचर सही हो जाए। और ना ये ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ये ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। और आप इसको भूनने के बाद वापस बाउल में ऑयल लगाएं थोड़ा सा और अपनी डो को उसमें रख दें और वापस कपड़ा हल्का सा गीला करके इस पर ढक के 1 घंटे के लिए मज़ीद रख लें। जब आप इसी तरह 2 घंटे के लिए दोनों, मतलब लाइक स्टेप पहला, स्टेप 1, स्टेप 2 करके इसका टोटल टाइम है 2 आवर्स का, जब वो हो जाए तो आप अपनी डो निकालें और इट इज़ रेडी। अब रोलिंग पिन की मदद से, अपने हाथ की मदद से इसको आप स्प्रेड आउट करें, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा पतला। अगर आप थिन क्रस्ट इन्जॉय करते हैं तो आप इसको बिल्कुल फ्लैट आउट भी कर सकते हैं, बट यू नो ये वेस्टर्न ट्रेंड ज़्यादा है। जितना हमने देखा है पाकिस्तान में, यहाँ पर तो थिक क्रस्ट दिखाई जाती है। अब एक पैन में ऑयल लगाकर इसमें आप अपने पिज़्ज़ा की डो को डालें और इसको फोर्क की मदद से आप होल करें इस पर, ताकि ये जब पके तो अच्छे से अंदर तक पक जाए। एंड दैट वाज इट। अगर आप और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसकी रिक्वेस्ट करें, मैं ज़रूर बना कर दूँगी, मेकअप रिलेटेड या खाने से रिलेटेड। और इसके अलावा अगर आप पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बने रहिए, क्योंकि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू डेज़ में उसको भी पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बेसिक प्रोसीजर।